ओम क्रीम कालई नमो। माँ काली का कृपा सभी को प्राप्त हो। हम 22 से 28 सितंबर 2024 का साप्ताहिक राशिफल आप लोग के सामने में प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जिन लोग को चंद्र राशि का पता है उन लोग उसके अनुसार ये राशिफल देख सकते हैं। जिन लोग को चंद्र राशि का पता नहीं है नाम राशि से भी ये राशिफल देख सकते हैं। ग्रह गोचर के इस सप्ताह का स्थिति के अनुसार मैं डॉक्टर एन के बेरा आप लोग के सामने में 22 से 28 सितंबर 2024 का साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत कर रहा हूं। मेष राशि, करियर की दृष्टि से इस सप्ताह अनावश्यक तनाव विवादजनक स्थितियां पैदा होगी। झंझटों तथा नाना प्रकार के अवरोध के कारण किसी भी काम के पूरा होने के प्रति आशंका रहेगी। आर्थिक पक्ष से भी निराशाजनक स्थितियां बढ़ रहा है। खर्च बढ़ने से आर्थिक संतुलन के प्रति सावधानी रखें। छात्रों को अपेक्षित परिणाम पाने के लिए कठिन प्रयास करना होगा। सामाजिक तथा राजनीतिक व्यक्तियों को आत्मनियंत्रण में रहना होगा। पर्सनल लाइफ में विविध उलझनों का सामना होगा। यदि कोई रोमांस चल रहा है तो मैरिज में परिणत होने में कुछ परेशानियों का सामना होगा। फैमिली लाइफ में कुछ समस्या का समाधान इस सप्ताह आपको मिलेगी। बुजुर्ग और रिश्तेदारों तथा माता पिता के स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। जमीन जायदाद संबंधित कार्य में सफलता मिलने में आपको विलंब होगा। इस सप्ताह के लिए शुभ दिन सोमवार और बुधवार। शुभ रंग सफेद और बादामी। शुभ तारीख 23 और 25 सितंबर। इस सप्ताह विशेष शुभ फल प्राप्ति के लिए आप धैर्य से कार्य करें। नियमित माँ बगलामुखी का उपासना करें तो इससे आपको सफलता मिलेगी। वृष राशि, इस सप्ताह करियर के क्षेत्र में बनते हुए काम में आकस्मिक अवरोध विरोध होने में मानसिक उद्विग्नता बढ़ेगी। समय की मांग और जरूरत किसी न किसी प्रकार पूरी हो जाएगी। रोजी रोजगार संबंधित समय महत्वपूर्ण को फैसला अगर आप लेना चाहते हैं तो इस समय स्थगित रखना आपके लिए उचित होगा। साहित्य तथा संचार के माध्यम से जिन लोग जुड़े हुए हैं ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने की योग है। उद्योग व्यापार के क्षेत्र में विरोधियों और प्रतिद्वंदियों से परेशानी होगी। बिजनेस में जोखिम भरे कार्य से दूर रहें। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल नहीं है। परीक्षा प्रतियोगिता में अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आपको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। पर्सनल लाइफ में किसी विषम स्थिति का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोगों के विवाहेतर संबंधों के कारण आपसी संबंधों में तनाव होने की संभावना है। इस सप्ताह कुछ लोगों को नए प्रेम संबंध प्रारंभ हो सकता है। फैमिली लाइफ, इस सप्ताह घर परिवार से संबंधित जिम्मेदारियों का निर्वाह कठिन होगा। संतान पक्ष को लेकर चिंतित रहेंगे। मकान वाहन आदि के सुखों में बाधा पहुंचाएगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी मैटर को लेकर इस समय आप अपने परिजनों के साथ वाद विवाद लड़ाई झगड़ा और परेशानी होने की संभावना है। इस सप्ताह के लिए शुभ दिन है बुधवार शुक्रवार। शुभ रंग तोते जैसा रंग और आसमानी। शुभ तारीख 25 और 27 सितंबर। इस सप्ताह शुभ फल प्राप्त करने के लिए आप अपने क्रोध जोश उतावलेपन पर नियंत्रण रखें। वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखें। संभव है तो नियमित शिव जी को जल चढ़ाएं। अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें इससे आपको सफलता मिलेगी। मिथुन राशि, इस सप्ताह
भाग्य कर्म प्रारब्धों का समर्थन न मिलने से आपके प्रयासों के अनुरूप ही आजीविका के क्षेत्र में सफलता मिलने लगेगी। इस समय कोई भी नवीन योजनाओं का शुभारंभ न करें। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग कम मिलेगा। व्यापार का लक्ष्य पूरा करने में आप असमर्थ होंगे। बेरोजगार युवा वर्ग को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होने की संभावना है। पर्सनल लाइफ के लिए समय अच्छा नहीं है। रोमांस और लव लाइफ में कटुता का भाव रहेगा। आपसी रिलेशन में टेंशन होगा। नए प्रेम प्रसंग प्रारंभ होने के लिए इस समय समय अच्छा नहीं है। पारिवारिक और घरेलू वातावरण अच्छा नहीं रहेगा। फैमिली में धार्मिक कार्यों का संपादन होगा। किसी परिजन का स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है। संगे संबंधियों से धोखा, पारिवारिक तनाव, मानसिक अशांति होगी। शुभ दिन सोमवार शनिवार, शुभ रंग दुधिया और नीला। शुभ तारीख 23 और 28 सितंबर। इस सप्ताह विशेष शुभ फल प्राप्ति के लिए आप धैर्य से काम करें। किसी अन्य व्यक्ति से विश्वास करके कोई भी काम न करें। संभव है तो नियमित ओम रांग राहवे नमः मंत्र का अधिकाधिक जाप करें और माँ काली की उपासना करें। कर्क राशि, इस सप्ताह आपको करियर के क्षेत्र में कठिन परिश्रम प्रयत्नों से आवश्यक कार्य में आंशिक सफलता मिलने की संभावना है। तकनीक इंजीनियरिंग मैकेनिज्म में जुड़े युवाओं को अपेक्षित परिणाम पाने के लिए विशेष प्रयास करना होगा। दूसरों की सलाह के बजाय अपनी प्रतिभा तथा बुद्धि का उपयोग करें। व्यापारियों को प्रबल विरोधियों को सामना करना पड़ेगा। अनावश्यक व्यय में वृद्धि से ऋण के लेन देन भी करना पड़ सकता है। पर्सनल लाइफ के लिए भी समय अच्छा नहीं है। आप अपने लव पार्टनर को लेकर लोकोपवाद की विशेष आशंका, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में कमी और प्रतिष्ठा सामाजिक उत्पीड़न भी सहना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। फैमिली लाइफ में सभी तरह का सुख साधनों के बाद भी वाद विवाद के कारण अशांति, स्वजन मित्रों से मनमुटाव, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होगी। अकर्मण्यता की वृद्धि होगी। अनावश्यक खर्च से परेशानी, वाहन दुर्घटना भय, मन मस्तिष्क तनाव ग्रस्त रहेगा। इस सप्ताह के लिए शुभ दिन है मंगलवार और गुरुवार। शुभ रंग ऑरेंज और गोल्डन। शुभ तारीख 24 और 26 सितंबर। इस सप्ताह विशेष शुभ फल प्राप्ति के लिए आप नियमित बजरंगबली का दर्शन पूजन करें और श्री हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। सिंह राशि, करियर में नई कार्यों की योजना बनने में कुछ विलंब होगी। सभा सोसाइटी में आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। उच्च शिक्षा और विदेशी शिक्षा में सफलता मिलेगी। संचार और मीडिया के क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए समय विशेष अच्छा है। परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। इच्छित कार्य सफल होगा। आपकी महत्वाकांक्षा पूरी होगी। रोमांस और पर्सनल लाइफ के लिए समय अच्छा है। प्रेम प्रसंग में गलतफहमियां दूर होगी, जिससे आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। फैमिली लाइफ के लिए समय अच्छा है। परिवार के सभी सदस्य आपसे प्रसन्न रहेंगे। घर परिवार के माहौल आपके अनुकूल रहेगा। इष्ट मित्र स्वजन कुटुंबों के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य पूरा होगा। सपरिवार किसी धार्मिक समारोह में भाग लेने का अवसर मिलेगा। शुभ दिन रविवार और बुधवार। शुभ रंग गुलाबी और हरा। शुभ तारीख 22 और 25 सितंबर। इस सप्ताह विशेष शुभ फल प्राप्ति के लिए आप रोज सुबह सूर्य को अर्घ दें और नियमित ओम आदित्याय नमः मंत्र का जप करें। संभव हो तो नियमित आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें।
इससे आपको सुफल की प्राप्ति होगी। कुंडा राशि, इस सप्ताह करियर को लेकर युवा वर्ग विशेष रूप से परेशान रह सकते हैं। आप अपने काम में कोई भी जोखिम न उठाएं। समय की चाल उल्टी चल सकती है, मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। राजकीय सेवा से जुड़े लोगों का स्थानांतरण होने की संभावना। कारोबार में अप्रत्याशित उलझनों से चिंता बढ़ेगी, खर्च की अधिकता रहेगी, निरर्थक दौड़ धूप अधिक करना पड़ेगा। करियर के क्षेत्र में किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से आपको किसी पुराने और जटिल समस्या का समाधान मिलने की संभावना है। पर्सनल लाइफ के लिए समय अच्छा है, कोई पुराना प्रेम प्रसंग सामने आएगा, आपसी संबंधों में गलतफहमियां दूर होगी। पर्सनल लाइफ में आपका व्यक्तित्व बेहतर साबित होगा। फैमिली लाइफ में परिस्थितियों में क्रमशः सुधार होगा। रोग ऋण शत्रु बाधा से छुटकारा मिलेगा। गृहभूमि वाहन संबंधित कार्य में सफलता मिलेगी। शुभ मांगलिक कार्य संपन्न होगा। स्वजन मित्रों का सुख सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह के लिए शुभ दिन मंगलवार और शुक्रवार। शुभ रंग पिंक और सिल्वर। शुभ तारीख 24 और 27 सितंबर। इस सप्ताह विशेष शुभ फल प्राप्ति के लिए आप नियमित माँ लक्ष्मी की पूजा करें और शिव जी को नियमित जल चढ़ाएं, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तुला राशि, पिछले सप्ताह की तरह इस सप्ताह में करियर के क्षेत्र में अप्रत्याशित उलझनों से आपकी चिंता बढ़ेगी। व्यापार में खर्च की अधिकता रहेगी, निरर्थक दौड़ धूप अधिक करना पड़ेगा। राजकीय पक्ष से आप चिंतित रहेंगे। इस समय सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तियों का समय सतर्कता मूलक रहेगा। विद्यार्थियों को नियमित दिनचर्या बनाकर पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। रोमांस के लिए समय अनुकूल है। पिछले कुछ दिनों से आपसी संबंधों में सख्त संदेह के कारण जो तनाव चल रहा था उसमें सुधार होगा। कुछ लोगों के इस समय नए प्रेम संबंध प्रारंभ होने की भी संभावना है। पारिवारिक स्तर पर कुछ समस्याओं का सामना होगा। आपके अपने ही लोग आपसे विश्वासघात कर सकते हैं। मांगलिक कार्य में व्यवधान, स्वजन मित्रों से मनमुटाव, माता के स्वास्थ्य पर बाधा, घर में किसी मूल्यवान वस्तु का चोरी हो जाने का भी भय है। पारिवारिक कलह से मन अशांत रहेगा। शुभ दिन सोमवार बुधवार। शुभ रंग सफेद और हरा। शुभ तारीख 23 और 25 सितंबर। इस सप्ताह विशेष शुभ फल प्राप्ति के लिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें तथा नियमित माँ काली का उपासना करें। संभव है तो ओम क्रीम काल्लई नमो मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करें। वृश्चिक राशि, करियर में आप इस सप्ताह जबरदस्त उपलब्धियां हासिल करेंगे। आप में उमंग, उत्साह, जीवंतता, स्फूर्ति का संचार होगा। जॉब में उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। ऑफिस में प्रशंसनीय कार्य करने का अवसर मिलेगा। व्यापारिक यात्रा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। पर्सनल लाइफ के लिए समय अनुकूल है। लव लाइफ में सफलता मिलेगी। आपसी संपर्कों में मधुरता होगी। विवाह बंधन में बंधने का भी, अगर पहले से ही आप किसी से रिलेशनशिप में हैं तो विवाह बंधन में बंधने का संयोग बनेगा। कुछ लोगों के नए प्रेम प्रसंग प्रारंभ होगी। पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण बने रहेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। पारिवारिक उत्तरदायित्व पूरा करने में आप समर्थ होंगे। परिवार में सभी लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। शुभ दिन मंगलवार शनिवार। शुभ रंग सिंदूरी और आसमानी। शुभ तारीख 24 और 28 सितंबर। इस सप्ताह विशेष शुभ फल प्राप्ति के लिए
आप नियमित माँ दुर्गा की उपासना करें। धनु राशि, इस सप्ताह करियर के क्षेत्र में अनपेक्षित लोगों के प्रभाव के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आजीविका की दिशा में चले आ रहे कुछ प्रयास पूरे होंगे। निरर्थक जोखिम से बचना लाभप्रद रहेगा और उलझनों से भी आप मुक्त रह सकते हैं। दूसरे के कामों में हस्तक्षेप न करें। परीक्षा प्रतियोगिता उच्च शिक्षा संबंधित युवा जातकों की अध्ययन मनन में रुचि बढ़ेगी। रोमांस के लिए समय अच्छा है। आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ अप्रत्याशित और सुखद घटनाएं होगी जिससे आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। पिछले कुछ दिनों से चली आ रही फैमिली लाइफ में समस्या का आप अपनी सूझबूझ से आसानी से ही हल कर लेंगे। परिवार में स्वजन कुटुंबों के सहयोग से मांगलिक कार्य का संपादन होगा। भौतिक सुख संपन्नता में वृद्धि होगी। आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन के योग है। शुभ दिन रविवार और गुरुवार। शुभ रंग मेरून और गोल्डन। शुभ तारीख 22 और 26 सितंबर। इस सप्ताह विशेष शुभ फल प्राप्ति के लिए आप किसी भी काम को विशेष सोच समझकर करें। धन निवेश संबंधित योजनाओं पर विशेष सोच समझकर धन लगाएं। किसी भी जोखिम में ना पड़ें। शुभ फल प्राप्ति के लिए आप नियमित माँ तारा की उपासना करें। मकर राशि, इस सप्ताह करियर के क्षेत्र में समय अच्छा नहीं है। इस सप्ताह कुछ जानी अनजानी कठिनाइयों से मानसिक तनाव पैदा होगी। किसी को दिया हुआ पैसा वापस मिलने में बहुत ही परेशानी का सामना होगा। दैनिक कार्य में व्यवधान हो सकता है। व्यवसाय में आमदनी सामान्य रहेगी। संतान को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के दिमागी स्थिरता बढ़ेगी। पर्सनल लाइफ में आपकी कोई विशेष इच्छा पूर्ण होगी। प्रेम प्रसंग चल रहा है और विवाह करने की इच्छुक हैं तो समय और भाग्य आपके साथ देगा। फैमिली लाइफ में स्वजन कुटुंब में मांगलिक आयोजन हो सकता है। परिवार में वृद्धि हो सकती है। घर में किसी नए मेहमान का आगमन होगा। संतान के लिए पिछले सप्ताह लिए गए निर्णय इस समय आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। गृहभूमि वाहन का सुख शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। शुभ दिन सोमवार शुक्रवार। शुभ रंग सिल्वर और क्रीम। शुभ तारीख 23 और 27 सितंबर। इस सप्ताह विशेष शुभ फल प्राप्ति के लिए आप नियमित शिव जी को जल चढ़ाएं और ओम होम जूम स मंत्र का यथा शक्ति जप करें। कुंभ राशि, इस सप्ताह करियर के क्षेत्र में हर कार्य करने के पहले आप सोचेंगे फिर पूर्ण करेंगे। सरकारी और अदालती कार्य लटकते दिखाई देंगे। व्यवसाय में पूरा समय न दे पाने के कारण निराशा होगी। काम में मन कम लगेगा। कर्मक्षेत्र में परिश्रम के मुताबिक सफलता की प्राप्ति होगी। बिजनेस में आय व्यय की समानता रहेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। आपकी आपसी संपर्क में गलतफहमियां दूर होगी। कुछ लोगों के नए रोमांस का प्रारंभ हो सकता है। फैमिली लाइफ में कुछ उलझनों का सामना होगा। परिजनों के साथ कलह वाद विवाद लड़ाई झगड़ा में आप उलझ सकते हैं। दिमागी तनाव रहेगा। बनते कार्य में विघ्न बाधाएं होगी। मांगलिक कार्य में धन व्यय होगा। किसी परिजनों का स्वास्थ्य इस सप्ताह चिंता का विषय बन सकता है। आर्थिक परेशानी होगी। शुभ दिन गुरुवार और शनिवार। शुभ रंग
पीला और नीला, शुभ तारीख 26 और 28 सितंबर। इस सप्ताह विशेष शुभ फल प्राप्ति के लिए आप अपने वाणी और क्रोध पर काबू रखें और नियमित श्री बजरंगबली का उपासना करें और हनुमान चालीसा तथा बजरंग बाण का पाठ करें। मीन राशि, इस सप्ताह करियर के क्षेत्र में झंझटों तथा नाना प्रकार के अवरोध के कारण किसी भी काम को पूरा होने के प्रति आशंका रहेगी। कर्म क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेगी। अपना काम निकालने में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। व्यवसाय में साझेदारी तथा जोखिम भरे सौदे न करें। प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से रोजगार के संबंध में इस सप्ताह अच्छी समाचार मिलने की योग है। पर्सनल लाइफ में छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन हो सकता है। आप अपने प्रेमी के भावनाओं को समझने के प्रयास करें। नए प्रेम संबंधों के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। फैमिली लाइफ में पिछले सप्ताह से चली आ रही पारिवारिक समस्या का समाधान मिलेगा। बकाया रकम की प्राप्ति होगी। स्वजन कुटुंबों के आवागमन होगा। नए वस्त्र आभूषण की प्राप्ति होगी। परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन होने की योग है। सपरिवार किसी धार्मिक समारोह में सम्मिलित होंगे। शुभ दिन मंगलवार शुक्रवार। शुभ रंग गुलाबी और सिल्वर। शुभ तारीख 24 और 27 सितंबर। इस सप्ताह विशेष शुभ फल प्राप्ति के लिए आप नियमित बजरंगबली का उपासना करें और श्री हनुमान चालीसा का 3 पाठ करें। हर रोज सूर्यास्त के बाद ओम सौम सुनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इससे आपको हर समस्या का समाधान मिलेगी और विशेष शुभ फल की प्राप्ति होगी। नमस्कार। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।